सो मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस होम बॉलीवुड में। इस हफ्ते जो है दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुई, एक थी सैम बहादुर, दूसरी तरफ थी एनिमल। एनिमल के अगर कनेक्शन कलेक्शन की बात की जाए तो 260 करोड़ वर्ल्ड वाइड अभी तक के कमाई कर ली है, और 3 दिन में, और उसी के साथ एक नया रिकॉर्ड जो है वो सेट कर लिया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, दो बड़ी फिल्में क्लैश होने पर कितना असर पड़ा है बॉक्स ऑफिस? बॉक्स ऑफिस पे इसका असर पड़ ही नहीं सकता, दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं। एक हमारे वीर गति पाए हुए फील्ड मार्शल के ऊपर पिक्चर है, और वो पिक्चर क्लास ऑडियंस ही देखने को आता है, मासेस को इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक एनिमल का सवाल है, मासेस से भरा पड़ा है, मेरे वहाँ बहुत अच्छी जा रही है, ज़बरदस्त जा रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पिक्चर इज़ डूइंग टेरिफिक। कौन सी फिल्म को प्रिफर ज़्यादा कर रहे हैं लोग, एनिमल को या मासेस? एनिमल कर रहे हैं, और जो हाई क्लास पीपल है उनको सैम बहादुर देखना है, क्योंकि वो दे आर हाई क्लास पीपल, तो उनको ये लड़ाई झगड़ा मारामारी से अच्छा ये अपने सैनिक की पिक्चर देखे। तो दोनों क्लास अलग है, लेकिन जितनी एनिमल अच्छी गई है उतनी अच्छी सैम बहादुर नहीं जा रही। मंडे ऐसा दिन है जहाँ पर यू नो असल बॉक्स ऑफिस पर कैसी फिल्म चलेगी ये पता चलता है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे तो फिल्म चल ही जाती है। मैं आज के बारे में जानना चाहूँगी। आज कलेक्शन अभी तक मेरे पास आया नहीं है, एक मिनट। नहीं, पर क्या फिल्म बंदी मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है हमारे वहाँ, बहुत, यानी एनिमल बहुत अच्छा जा रहा है, सैम बहादुर भी बहुत अच्छी जा रही है। इस तरह से एक क्लास ऑडियंस आता है, और ये नहीं है कि कोई शो कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता उसका। हाँ, तो अभी भी हाउसफुल है, एनिमल फुल जाती है, हाउसफुल जाती है। क्या लगता है इसका और फायदा होगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक के फिल्म कोई भी बड़ी ऐसी रिलीज अभी नहीं है, और यहाँ पे हमारे मराठा मंदिर में भी बहुत अच्छी जा रही है, हाउसफुल जा रही है एनिमल, और यहाँ तो सैम बहादुर है नहीं, तीनों शो में एनिमल है। तो अभी आने वाली फिल्म में तो डंकी और प्रभास की सराहट साथ में आ रही है, तो वापस वहाँ भी कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो ठीक है, वेलकम, देखते हैं फिर। वैसे आपने देखी एनिमल, आप क्या कहेंगे, आपके क्या? मैंने एक फ्रेम देखी नहीं एनिमल की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज वापस आपके वीडियो पे बता रहा हूँ, जिसकी मिठाई की दुकान हो कभी मिठाई नहीं खा सकता। मैंने अभी देखी नहीं है ये, अभी कभी OTT पे आएगी तो देखूँगा, या कभी कोई वक्त निकाल के देखूँगा, देखनी तो है दोनों पिक्चर, देखते कैसे देखते। वैसे स्टार्स अक्सर विजिट करते हैं, बॉबी देओल ऑलरेडी आकर गए, कल गया, कल शाम को आया था, कल संडे था, मैं घर पे था इसलिए मैं मिल नहीं पाया उसको। हाँ, लेकिन मेरे पास वो शूटिंग आ गई थी। पर जिस हिसाब से गेटी हाउसफुल जा रहा है, मराठा मंदिर हाउसफुल जा रहा है, लगता है रणबीर कपूर के भी आने के चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो पहले से ही बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैं उसको सबसे ज़्यादा सैल्यूट करता हूँ, राजनीति एक उसकी पिक्चर आई थी। हाँ, जिसमें उसके बड़े भाई को और उसकी वाइफ को मार डालते हैं पॉलिटिक्स से, और फिर कैटरीना के साथ उसका रहता है, उसमें जो उसने एक्टिंग की है दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग। और उसके बाद अब की एक्टिंग जो है उसके सामने तो कोई एक्टिंग है ही नहीं, रणवीर हैज डन ए सच ए ब्यूटीफुल जॉब दैट अभी उसको सैकड़ों फिल्म मिलेगी, एंड आलिया शुड बी प्राउड ऑफ हिम। ओके, जैसे कि आपने कहा, अब आने वाले समय में डंकी और सलार दोनों एक साथ क्लैश होगी, जो कि यही महीने में होने वाला है। सलार को जो है वो आगे बढ़ाया गया था रिलीज़ को, लेकिन उसको अब वापस साथी में आ रहे हैं, तो अगर उनको रिलीज़ साथी में करना था तो लगता है वो सही टाइम था, ना कि ये। अभी एक ही बात बोलूँगा, ईगो छोड़ देना चाहिए, और आगे पीछे आने से फ़ायदा होता है, लेकिन अभी साथ में आना है तो साथ में आओ, देखा जाएगा। नुकसान होगा? नुकसान तो होगा नहीं, गेटी गैलेक्सी दो है, वहाँ दोनों में अलग अलग चलेगी, मराठा बहादुर में कोई भी एक, यानी शाहरुख की सब जो ज़्यादा रिवार्ड है तो उसकी दो लगेगी, और सराट एक लगेगी, एक शो, ऐसे तीन शो लगेगी इधर बस। लेकिन कहीं ना कहीं लॉस तो होगा दोनों फिल्मों की कमाई के, तो लॉस तो यहाँ भी हो रहा है, दो फिल्म साथ में आई है, तो ये लॉस एंड फ़ायदा तो देखने वाली बात नहीं है, प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को सोचना चाहिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। ओके,
लास्टली जाने से पहले एनिमल क्या लगता है कहाँ तक पहुँचता है? जहाँ तक पब्लिक का ओपिनियन है वहाँ तक ये पिक्चर कमाल कर देगी। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन जो भी है पिक्चर इतनी जबरदस्त गई कि कोई छोड़ता नहीं है। तो अभी कहाँ तक जाएगी वो तो मैं आज की तारीख में नहीं बोल सकता। आज तीसरा दिन है तो ये आप ऐसा करिए कि इसके लिए मुझे नेक्स्ट वीक बात करिए, मैं बता दूंगा कहाँ तक जाने वाली है। पर एक अंदाजा नहीं आपके हिसाब से? तो 200-400 करोड़ जाएगी। 400-400 हज़ार करोड़ का रिकॉर्ड नहीं, 1000 करोड़ तो अभी तक कोई नहीं कर पाया। जब शाहरुख की पठान जवान नहीं कर पाई और गदर 2 नहीं कर पाई। नहीं वो ऐसे गलत बोलने के किसी को कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा जाएगी बस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मनोज जी हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू।